मैंने इसका निर्माण यहाँ पर कैसे हुआ, मतलब किनके द्वारा किया गया था? तो यूके यूके जो गए वो मैंने कैसे वर्क वीजा में गए थे, कैसे गए थे आप? गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो अभी हम अपने गांव से सबसे नज़दीकी जो सिटी है वो है बुंडू, और बुंडू के आसपास यहां पर दो तीन टूरिस्ट स्पॉट जो काफ़ी फेमस हैं। तो सबसे पहले आपको हम दिखाने वाले हैं बुंडू का फेमस सूर्य मंदिर, और ये सूर्य मंदिर रांची से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और हमारे गाँव राहे से इसकी दूरी है सिर्फ 16-17 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अभी हम इस सूरज मंदिर के अंदर लेके चलेंगे। ये मंदिर पूरी तरह से मार्बल की बनी हुई है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो आज है दिवाली के नेक्स्ट दिन, तो दिवाली की वजह से आज थोड़ी भीड़ कम है, इसलिए हम आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से मंदिर को दिखा सकते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण और हिस्ट्री मतलब कितना है? 1991 में इसका निर्माण हुआ था। अच्छा, 1991 में हुआ था। ये था सीताराम मारू के द्वारा, वो रांची क्लब एक्सप्रेस के कुछ ये थे, हेड थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने निर्माण कराया था और 1994 में इसका इनोग्रेशन मतलब कम्प्लीटली ये तैयार होके पूजा के लायक हो गया। 94 में हो गया। हाँ, 10 जुलाई 1994 मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये। हाँ। लगभग आपका मतलब 94 से हो गया 2027 साल। हाँ, 27 साल। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ बचपन में आया था 98 में, तो उसमें 4 ही साल ही पुराना था, लेकिन उसके बाद फिर 2-3 साल बाद आया तो भूल गए। मतलब बचपन में आए थे, बीच में एक बार और आए थे, तो अभी भी मतलब जैसे कि तैसे ही है, कोई ज़्यादा मतलब अंतर नहीं है। 7 घोड़े हैं और 18 चक्का है। ये लगता है नया नया पेंट किया हुआ है। ये मंदिर का फ्रंट एरिया है, यहाँ पर 7 घोड़े हैं, तो क्योंकि ये सूर्य मंदिर है इसलिए शायद भगवान सूर्य के जो रथ है उसका ये पूरा डिजाइन है ना। हाँ। तो ये पूरा मंदिर जो है रथ का डिजाइन बना हुआ है। तो बाहर से आप देखिए, नीचे में आपको रथ के चक्के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 18 चक्के हैं टोटल। 18 चक्के हैं। तो पहले मंदिर के ग्राउंड मारा जाए पूरा बाहर से, उसके बाद अंदर चलते हैं। तो ये देखिए नीचे में बड़े बड़े जो चक्के आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा का है उसी के प्लेटफॉर्म बनाया है। हाँ, मतलब हाँ, जो पूरी के पास जो कोणार्क मंदिर है खिड़की को आप देखिए, उसका जो डिजाइन वो भी सूरज का ही डिजाइन बना हुआ है। प्रकाश भी जो इंटर करता है सूरज का ही प्रकाश इंटर करता है। अच्छा, इसलिए उस तरह का बनाया गया है। पूरा मार्बल का ही बना हुआ है ना। हाँ, सारा कुछ मार्बल। तो आज यहाँ पर भीड़ नहीं है क्योंकि कल दिवाली था, तो आज लोग ज़्यादा नहीं आए हैं, अपने अपने घरों में त्यौहार मना रहे हैं इसीलिए लेते हो। और ये बांस पे दिखाइए, मेला में टेंट वगैरह लगाने में काम आता है। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, सूर्य मंदिर मेला। अच्छा, ये जो बांस है ये टेंट के लिए है, मतलब यहाँ टेंट मेला कब लगता है? हाँ, मेला लगता है वो फरवरी में। अच्छा, फरवरी के आसपास मेला लगता है। 25 फरवरी में लगता है। और ये जो बांस है ये टेंट के लिए रखा गया, चारों ओर टेंट लगाया जाता है और काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पे। अच्छा, तो ये देखिए मंदिर के एक राउंड मैंने मार लिया है, और यहाँ से इंटर करेंगे। यहाँ से जो घोड़े हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, चप्पल खोल लेते हैं। यहाँ पर कोई पुजारी वगैरह कोई नहीं है मंदिर में क्या? फोटो खींचना अलाउड है क्या अंदर में? तो ये देखिए यहाँ पर इसका मंदिर का एक ब्रीफ हिस्ट्री लिखा हुआ है, सूर्य उपासना भवन पूज पूज 10 जुलाई 1994 को इसका इनोग्रेशन हुआ था, संस्कृति विहार रांची। और यहाँ लिखा हुआ है 24 अक्टूबर 1991 मैंने 91 में शिलान्यास हुआ और 94 में बन के पूरा हुआ, रेडी हो गया। तो अंदर चलते हैं। तो अभी यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं है क्या? तो ये देखिए मंदिर से जो आप लाइट देख रहे खिड़कियों से, खिड़कियों का जो शेप है वो खिड़कियों का जो शेप है सूरज जैसा, लाइट जो आ रहा है उसी के शेप में ही आ रहा है। तो इस तरह का कारीगरी यहाँ पर किया गया है।
लेकिन कुछ कुछ लोग जो है लगता है इसको तोड़ दिए हैं थोड़ा थोड़ा, कोई कोई शरारती लोग होंगे, बच्चे चाहे कोई, फ़ोटो खींचना मना है लिखा हुआ है, खींच लेते हैं कोई है नहीं। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो वो कलर आपने ही किया क्या? हाँ, जो गोल्डन कलर किसने किया जी? गोल्डन कलर जो चढ़ाया है क्या कलर है? ये वर्क आता है, वर्क चढ़ाया है। तो कहाँ से मिल जाएंगे ये सर? हम वहीं से लेके आते हैं, राजस्थान से। तो यहाँ नहीं मिलता है? नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर ये मूर्ति का पेंटिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं मूर्तियों का। मैंने इसका निर्माण यहाँ पर कैसे हुआ, मतलब किनके द्वारा किया गया था? देखिए, लोगों का मान्यता है कि भगवान रामचंद्र भी इस स्थान पर भगवान सूर्य की उपासना किए हुए थे। अच्छा, यहाँ पर किए हुए थे। 24 अक्टूबर 1991 में शिलान्यास हुआ, 10 जुलाई 1994 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आप रांची एक्सप्रेस के बहुत बड़े जो समाज सेवी थे और मतलब रांची एक्सप्रेस के जो प्रधान कहेंगे उन्हीं के प्रेस था। अच्छा, तो उन्हीं के माध्यम से, उनका नाम था स्वर्गीय सीताराम जी मारू, उन्हीं की अध्यक्षता में इस मंदिर के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। अच्छा, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रधान नगर रखा गया इस नाम का, तो यहाँ का जो मुखिया जी था उनका नाम था प्रधान सिंह मुंडा। अच्छा, जो कि जमींदार थे। तो जब इन्होंने जो मंदिर के निर्माण के बारे में बात किया तो उसे बोल गए ठीक है मैं आपको जो है सो डोनेट कर दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो वो जो है सो मतलब मंदिर के लिए जमीन दान किए हुए हैं। अच्छा, और हमारे सीताराम जी मारू के जो है इस मंदिर का जो है सो कार्य का जो है सो प्रारंभ किए और आज ये आप देख रहे हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, आज लाखों श्रद्धालु लोगों का जो है सो आस्था का केंद्र बन गया। काफ़ी प्रसिद्ध है इधर आसपास के एरिया में, बहुत लोग आते हैं। अब बीच में ही देखेंगे कि कार्तिक छठ में जो है सो व्रती लोग जो है सो करीब लगभग आधे झारखंड से लोग जो है सो यहाँ पर रहते हैं व्रत करने के लिए। और मेला भी एक लगता है शायद फरवरी 25 जनवरी, हाँ 25 जनवरी, जो कि 24 जनवरी 14 जनवरी को जो टूसु संक्रांति जो हम लोग मनाते हैं, सो उसी मतलब मेला के उपलक्ष में, उसी संक्रांति के उपलक्ष में जो है हर ग्रामीण क्षेत्र में आपको मेला लगता है, जो कि यहाँ पर जो है 25 जनवरी को लगता है, जहाँ पर लाखों की भीड़ होती है। और ये छठ पूजा में भी अभी तो भीड़ होगा यहाँ पे? हाँ, काफ़ी काफ़ी काफ़ी। आप जो आप देखेंगे पीछे जाके देखेंगे तो सूर्य सरोवर है, अभी तो घाट की सफाई भी होगी। अच्छा, इसका जो कलाकारी है उनके लिए मतलब जो कारीगर कहाँ के थे जो बनाए हैं? ये रांची के, रांची लोकल थे, बाहर से रांची के थे, रांची के लोकल कुमार थे। क्या कृष्ण कुमार के क्या थे वो? हाँ, लोकल ही थे वो, हमको पता है रांची के। आप कहाँ के मतलब रहने वाले हैं? लोहरदगा। लोहरदगा के। आपका नाम क्या हुआ? सत्यनारायण पाठक। अच्छा, सूर्य मंदिर पूजा। आप कितने दिन से? करीब 20-22 वर्ष, 20-22 वर्ष से यहीं हैं। आपके साथ एक और कोई है ना कि आप अकेले हैं? और एक कोई थे शायद, एक और आपके साथ किसी और काम भी देखे हैं पहले कभी, जिनका आँख थोड़ा सा हल्का सा ही है ना? देखिए, चूँकि वो भी है ना, यहाँ हनुमान मंदिर और सूर्य मंदिर दो हैं, तो हनुमान मंदिर की भी वो सेवा करते हैं, यहाँ पर भी जो है सूर्य मंदिर में भी अपना सेवा करते हैं। मतलब रामचंद्र जी यहाँ पर सूर्य की उपासना किए थे आके, इसलिए इस जगह को चुना गया, मैंने मेन कारण यही है। और ये हमारे मूर्तिकार हैं। ये मूर्तिकार भाई, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नरेंद्र शर्मा। हाँ, तो ये राजस्थान से आए यहाँ पर मूर्तियों का मतलब मेंटेनेंस करने के लिए, और बड़े मूर्तिकार आर्टिस्ट भी हैं। हाँ, बहुत बड़े आर्टिस्ट। मतलब आप शिल्पकारी करते हैं वहाँ पर क्या? नहीं, शिल्पकारी नहीं, हम लोग मूर्ति को पेंटिंग का काम है बेसिक हमारा। अच्छा, बाकी हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो सब शिल्पकारी का काम करते हैं, यानी हमारा जो एक तरीके से पुश्तैनी काम यही है। इन लोग का कॉन्टेक्ट नंबर पंडित जी का, बचपन में ही, बचपन से हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि हमारे आजू बाजू में यही काम होता है, मूर्तियों का टोटल वर्क रहता है। ये भी मूर्तिकार ही है इसीलिए आपसे उतना पूछताछ कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक दूसरे को बताएंगे तो ही तो कला जितना बताएंगे उतना बढ़ेगा ना कला अपना, नया चीज सीखने को। बिल्कुल सही बात है। अब किसी के टच में आते हैं तो ये अपन को नई कला के बारे में पता लगता है। आप क्या ऑन डिमांड मतलब कोई बुलाता है तो आप कहीं भी चल जाते हैं? मैंने जी, हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हम तो पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। तो आप कैसे मैंने प्रचार करते हैं?
नहीं, हम लोग को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारा तो काम ही प्रचार कर देता है। अच्छा, जैसे आपने अभी वर्क देखा, अच्छा वर्क देखे, वर्क देखने के बाद में आप खुद कांटेक्ट करेंगे हमको। हम तो कैसा ऐसे मौखिक प्रचार ही होता है? नहीं नहीं, हम लोग ऐसा पंपलेट वगैरह वो नहीं बोल रहे, मतलब ऐसे एक दूसरे से, मैंने एक दूसरे कनेक्टेड चलता है हमारा, कनेक्शन से होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ पेपर में ऐड देंगे, ऐसा नहीं है। तो वो चीज हमारे को रिक्वायरमेंट की नहीं रहती, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैसे इतना वर्क रहता है ना कि पूरे इंडिया में राउंड लगाना पड़ता है हम लोग को। मंदिर अपने अपना काम कोई दिखेगा तो ऑटोमेटिक वो रिक्वायर करते हैं कि किसने क्या। अभी मैं आपको मुंह से जाकर के बोलूंगा मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे ना। खुद का बड़ाई कर रहे हैं। हाँ, मैं फिर आप बोलेंगे कि खुद का बड़ाई खुद कर रहा है। तो उसमें ये रहता है कि हमारा काम रहेगा तो आप मेरे को ढूंढेंगे, ना कि मैं आपको ढूंढूंगा। वो चीज रहता है सर, ऐसे चलता है, बिल्कुल चेन सिस्टम रहता है। चेन सिस्टम बिल्कुल सर। लंदन वगैरह में यहाँ के जो लोकल आदमी रहते हैं यहाँ से मूर्तियाँ ले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। दुर्गा मूर्ति हो गया, गणेश। तो यूके जो गए वो मैंने कैसे वर्क वीजा में गए थे, कैसे गए थे? वीजा का कैटेगरी तो मुझे पता नहीं कौन सा था, 5 tier कुछ ऐसा कुछ करके, मतलब कोई कंपनी ले गई थी आपको क्या, कोई वहां का कोई पार्टी? अपना इधर का दिल्ली का पार्टी था, वो लेके गया था वो आपको, ऐसा ही वो स्पॉन्सर किया होगा। जी जी अच्छा अच्छा, समझ। तो वहां पर अपना कोई हिंदू टेंपल था, अच्छा यूके ग्लासगो में, अच्छा अच्छा, वहां मैं करके आया था। तब तो आपको बहुत बड़े स्तर के कलाकार हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम जो है ना वो बोल रहा है, मतलब एक ही बार में हमको जज गया, मतलब सोच लीजिए हम लोग बहुत बारीकी से देखते हैं, उसमें जज गया हम, मतलब इनको जज गया, मतलब इनको फर्क है उनका, तो ये समझ पा रहे उस बात को। जो आदमी समझता है वही समझ सकता है उस चीज को, बाकी सबके लिए एक ऑर्डिनरी वर्क है। येलो कलर का कर दिया, रेड कलर, ऑरेंज कर दिया, लेकिन जो आर्टिस्ट रहेगा वो समझ जाएगा कि क्या वर्क है ये। वो चीज होती है, हर कोई आदमी अपनी लाइन का आदमी उस चीज को पहचानता है, बाकी सबके लिए तो एक नॉर्मल वर्क ही रहता है। कितने दिन से आप आए हैं यहाँ? मेरे को 4-5 दिन हो गए। 4-5, मतलब कितने दिन का वर्क है आपका यहाँ पर? अभी 2-3 दिन हो चुके हैं। जी ठीक है, चलिए धन्यवाद। ओके सर, फिर कभी मिलेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, ओके। इनसे नंबर तो ले लिए। हाँ बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने मंदिर के पुजारी से भी मिल लिया, और यहाँ पर जो मंदिर मूर्तियों का मेंटेनेंस करने के लिए जो आए थे उनसे भी काफ़ी सारे बातें हुई। तो बहुत बड़े लेवल के कलाकार हैं वो, और उनके उनको यूके, यहाँ तक कि मैंने यूके ब्रिटेन में भी उनको बुलाया जा चुका है। तो सोचिए किस किस लेवल के वो कलाकार होंगे, विदेशों में भी उनको बुलाया जा रहा है। तो ये था बुंडू का सूर्य मंदिर, और इसके बाद हम चलेंगे अगली वीडियो में, आपको लेकर चलेंगे यहाँ से दशम फॉल की तरफ, जो झारखंड का एक और बहुत ही बड़ा सा वाटरफॉल है। पिछली वीडियो में आपने जोना फॉल का वीडियो तो आपने देख ही लिया है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं दशम फॉल में। तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर। और इनके पंकज, आर्टिस्ट पंकज प्रजापति है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर मूर्तियों से रिलेटेड आपको कुछ वर्क करवाना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।